हाय एवरीवन, दिस इज संजीव एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टेलीग्राम एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि गाइस टेलीग्राम चैनल या फिर ग्रुप आजकल उसमें कॉपीराइट आ रहे हैं और बहुत सारे चैनल हैक भी हो रहे हैं। ओके, सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद कॉपीराइट। ओके, सो गाइस कॉपीराइट ज़्यादातर ग्रुप्स में ही आता है, क्योंकि ग्रुप पब्लिक रहता है और उसमें कोई भी मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं और ग्रुप में कोई भी मैसेज सेंड कर सकता है। तो गाइस उसमें क्या होता है कि कई बार एडमिन एक्टिव नहीं रहते और अगर सारे मैसेज को गो थ्रू नहीं करते हैं तो गाइस उसमें कोई भी यूज़र है कोई भी पिक्चर या फिर इमेज या फिर वीडियो कोई भी सेंड कर देगा तो वो गूगल से डाउनलोडेड रहता है गाइस। तो उसमें कंपनी वाले जो उसका वीडियो का या फिर जो भी कॉन्टेंट हो उसका ओनर गाइस आपको कॉपीराइट भेजेगा और ऐसे करके गाइस काफ़ी सारे टेलीग्राम ग्रुप में कॉपीराइट क्लेम आया है। तो अगर आपका भी कोई ग्रुप है, क्योंकि अभी टेलीग्राम में गाइस बहुत सारे यूज़र हैं जो कि अपना खुद पर्सनली ग्रुप चला रहे हैं। जब मैं टेलीग्राम में स्टार्ट किया था उस समय ही बहुत सारा ग्रुप गाइस अब तो और ग्रुप बढ़ गया होगा। ओके, तो गाइस जिनका भी ग्रुप है और जो भी एडमिन देख रहे हो ग्रुप में आप एक्टिव रहें या फिर ऑटो डिलीट मैसेज के ऑप्शन रहता है गाइस, जो ऑटो डिलीट मैसेज का या फिर 2 डेज 1 डे या फिर 1 वीक का आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी न्यू मैसेज आएंगे गाइस जो आफ्टर जो ड्यूरेशन आप सेट करेंगे उस ड्यूरेशन में वो ऑटो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कॉपीराइट क्लेम से अपने ग्रुप को बचा सकते हैं। और चैनल गाइस जो भी प्लानिंग कर रहे हैं चैनल स्टार्ट करने का और जो भी लाइक मूवीज़ या फिर जो भी चैनल आपका है कंटेंट गाइस आपका ओरिजिनल रहना चाहिए। अगर गाइस आप कहीं और से कंटेंट डाउनलोड करके अगर अपने चैनल में डालते हैं वो आपका खुद का कंटेंट नहीं रहता तो उसमें भी कॉपीराइट क्लेम आएगा और कई बार गाइस डायरेक्टली चैनल ही डिलीट हो जाती है या फिर आपका आईडी को ही डिलीट कर दिया जाएगा। ओके, सो ये था सेकेंड जिससे आप अपने चैनल को बचा सकते हैं कोई भी कॉपीराइट कॉन्टेंट नहीं डाल के। ओके, और थर्ड गाइस हैकिंग के बारे में लेट्स टॉक अबाउट हैकिंग। ओके, सो चैनल गाइस आजकल हैक हो रहे हैं बहुत टेलीग्राम में। ओके, एक क्रैक आईटी का चैनल था गाइस, आप में से कई लोग उसमें अराउंड 1 लाख प्लस मेंबर उसमें ज्वाइंट है। तो गाइस क्रैक आईटी जो चैनल था वो चैनल अभी हैक हो गया, जो भी उस चैनल में ज्वाइन होंगे काफ़ी पुराना चैनल गाइस, जब मैं स्टार्ट किया था टेलीग्राम जब से वो चैनल है। तो अगर अभी तक आप उस चैनल में हैं गाइस तो वो चैनल को आप मूव कर सकते या फिर वो चैनल से आप लीव हो सकते हैं। ओके, तो क्योंकि गाइस वो चैनल हैक हो गया उसका ओनर भी अब उस ग्रुप में नहीं है, क्योंकि उसका ऑनर ही उस ग्रुप का मेंटेन करता था, अब ऑनर है नहीं तो उसमें कोई क्रिप्टो करेंसी करके यूज़र है वो हैक किया है। गाइस उनका चैनल कैसे हैक हुआ था चलिए एक बेसिक बता देता हूँ गाइस। अगर आपका भी चैनल है गाइस तो कोई भी अगर आपका 1 लाख या फिर कोई सब्सक्राइबर बढ़ जाता तो गाइस आपको स्पॉन्सरशिप के लिए भी लोग कांटेक्ट करने लगते। तो ऐसे ही सेम उनके साथ भी हुआ था गाइस, एक क्रिप्टो करेंसी वाले थे उन्हें कांटेक्ट किए थे और पेमेंट भी अच्छा दे रहे थे गाइस, से अमाउंट भी अच्छा दे रहे थे। और क्या किए गाइस उन क्रिप्टो करेंसी के चैनल का गाइस एनालिटिक्स चेक करने के चक्कर में एक बोट को ऐड करने बोला चैनल में, तो एज इट इज़ अपने बोट को ऐड किए उस चैनल में और फिर गाइस क्या हुआ 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी उनसे करवाया। तो ये जो चैनल के ओनर थे वो भी कर दिए। तो गाइस इस तरह से क्योंकि बैकएंड में सारा स्क्रिप्ट लिखे रहता है, अगर आप अपने लॉगिन करते हो कोई भी या फिर OTP बाईपास करवाते हो तो बैकएंड में कोड लिखा रहता है, उससे डायरेक्टली चैनल का ओनरशिप भी चेंज हो जाता है। ओके, सो अगर आपका चैनल है या फिर सोशल मीडिया में कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं तो आप ट्राई करिए एटलीस्ट दो सेलफोन यूज़ करने का। ओके, या फिर लैपटॉप या फ़ोन है तो 2 सिम यूज़ करने का कोशिश करिए और कोई भी OTP आपको अपने जो नंबर से लिंक है चैनल उसे बाईपास नहीं करना। ओके, क्योंकि मैं भी जितना भी यूज़ करता हूँ मैं कोई भी OTP बाईपास नहीं करता हूँ, कितना भी इंपॉर्टेंट रहे मैं अपने दूसरे वाले नंबर से ही OTP बाईपास करता हूँ। तो कोई अगर ऑफ कैंपस भी कहीं अप्लाई करते हो गाइज, तो अगर आपका कोई भी चैनल है सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम फेसबुक या फिर कुछ भी, तो आपको OTP बाईपास नहीं करवाना है अपने नंबर से। आप एक दूसरा नंबर यूज़ कर सकते हैं, आप घर में किसी का भी सिम यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज कुछ इस तरह से आप अपने हैकिंग से बचा सकते हैं। और सेकंड गाइज आपको अपने टेलीग्राम चैनल में 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर लेना है, यही एनफ रहता है सिक्योरिटी के लिए। ओके, सो कैसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करते हैं और ऑटो डिलीट सेट करते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे या फिर मैं इसके बाद जो भी वीडियो आएगा उसमें मैं ट्राई करूँगा उस वो भी वीडियो को एकदम परफेक्टली स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको बताने का कि कैसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करते हैं और कैसे ऑटो डिलीट सेट करते हैं। तो गाइस ये था कुछ बेसिक टेलीग्राम के हैकिंग और कॉपीराइट के बारे में। अगर आपका भी चैनल है गाइस, अगर आप या फिर ग्रुप है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं कि बोट को कैसे यूज़ करें या फिर कुछ भी, यू कैन फील फ्री टू DM हेयर कमेंट और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम, बिकॉज इन फ्रॉम लास्ट ईयर आई एम वर्किंग इन टेलीग्राम एंड आई हैव एनफ मीन्स आई कैन एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट बोट्स एंड ऑल दिस थिंग हाउ यू कैन यूज़ बोट। ओके,
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, कीप लर्निंग।